तो ये जो फोन है Redmi A1 इसे लॉन्च किए हुए लगभग एक से डेढ़ महीना हो चुका है। Xiaomi ने ये फोन जो है Redmi A1 ये बजट सेगमेंट यानी 10,000 के अंदर में अगर आपको फोन चाहिए तो उस कैटेगरी के लिए ये फोन जो है निकाला गया है। लेकिन ये फोन किस तरह के यूजर को या फिर किस तरह के कस्टमर को टारगेट करता है ये इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में हम यही जानेंगे विद कंप्लीट रिव्यू। हमारे पास जो कलर है वो है ब्लैक। ब्लैक के अलावा ये फोन दो और कलर में आता है, लाइट ब्लू एंड लाइट ग्रीन। फोन का जो करंट प्राइस है वो है 6480 फ्लिपकार्ट पर और अमेजोन पर 6299। तो ये जो प्राइस है ये वेरी करते रहता है, ऑफर्स वगैरह भी चलते रहते हैं जिसका यूज करके आप इस फोन के प्राइस को और कम कर सकते हैं। और ये लगभग जो लास्ट प्राइस मुझे देखने को मिला था वो था 5300 रुपए। फोन का जो बैक पैनल है वो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बना हुआ है लेकिन लेदर टेक्सचर डिजाइन है। जब आप फोन को हाथ में लेके देखोगे तो आपको लगेगा कि लेदर बैक जो है वो दिया गया है, बट ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप उस पर इस तरह से करोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का यूज किया गया है। प्राइस को ध्यान में रख के अगर इसके डिजाइन को देखा जाए तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब इस प्राइस सेगमेंट में, यानी मान लेते हैं कि 6000 का ये फोन है और 6000 में आपको ऐसा जो डिजाइन मिल रहा है मतलब एकदम काफी प्रीमियम लगता है। भैया जी वो क्या है ना, हम यहाँ पे देंगे आपको एक सजेशन, काला वाला जो है यानी ब्लैक वाला बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि वहां पर आएगा आपको कुछ ऐसा समस्या। जब आपके हाथ पे पसीना उसना आ जाता है ना और उसके बाद फिर जब आप ऐसे छूते हैं तो देख रहे हैं किस तरह से दाग धब्बा जो है वो लग जाता है जो कि फिर गायब हो जाता है। अगर आप बिना कवर का यूज करते हैं तो ब्लैक वाला तो एकदम मत लीजिएगा। हाँ, इसके अलावा जो लाइट ब्लू और लाइट ग्रीन है वो ले लीजिएगा क्योंकि उसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसके डिजाइन को लेकर मैं इतना तो कंफर्म हूं, जब भी कोई इसे फर्स्ट टाइम देखेगा तो उसे ये काफी पसंद आने वाला है। फोन के नीचे साइड 3.5mm जैक, USB कनेक्टर, एक माइक दिया गया है और ऊपर की साइड स्पीकर ग्रिल। एक चीज जो आपको मिसिंग लग रहा होगा वो है IR ब्लास्टर, क्योंकि Xiaomi के जितने भी फोन होते हैं उसमें IR ब्लास्टर होता है बट इस फोन में नहीं है। फोन में आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट मिल जाता है जिसमें आप दो सिम के साथ साथ एक माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं अप टू 512 GB तक का। बात करें अगर डिस्प्ले की, 6.5 इंच का HD प्लस LCD डिस्प्ले मिलता है, स्क्रैच रेसिस्टेंस डिस्प्ले। अब इन्होंने ये चीज मेंशन किया है कि स्क्रैच रेसिस्टेंस डिस्प्ले जो है वो दिया गया है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वगैरह जो है वो यूज नहीं किया गया है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्क्रीन प्रोटेक्शन टेंपर ग्लास वगैरह जो है वो लगा के रखिएगा। डिस्प्ले क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छा लगा क्योंकि इस सेगमेंट में अगर दूसरे फोन का डिस्प्ले आप देखेंगे तो वहां पर आपको जो कलर सैचुरेशन वगैरह है उसमें आपको फेडेड कलर देखने को मिलता है बट यहां पर मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। पिक ब्राइटनेस 400 निट्स है, इंडोर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आउटडोर में भी कहीं कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं हुआ। बहुत ज्यादा जब सनलाइट हो तो वहां पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो दिखने में बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। फोन में आपको टच सैंपलिंग रेट 120Hz मिलता है। इस फोन में आपको 5000mAh का बैटरी कैपेसिटी मिल जाता है विद 10W फास्ट चार्जिंग एडाप्टर। तो यहाँ पर जो आप फास्ट वगैरह इनके वेबसाइट पर देखेंगे छपा हुआ है तो इसको देख के आप ये मत सोचिएगा 10W वाला एकदम फास्ट वाला एकदम फट से फोन चार्ज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और एक चीज जो हमको बिल्कुल सही नहीं लगा वो था माइक्रो USB केबल इन्होंने दिया है जबकि सी टाइप दिया जा सकता था, क्योंकि जो आपके ईयरबड्स वगैरह आते हैं उसमें भी आपको सी टाइप वाला ऑप्शन अभी जितने भी आ रहे हैं उसमें मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग किया और जितने देर में ये टेस्ट हुआ ना भैया हम एक मूवी देख लिए एकदम कंप्लीट खत्म कर लिए थे। और एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे ही इस फोन का 99% बैटरी चार्ज हो गया और उसके बाद 100% यानी 1% चार्ज होने में इतना मतलब क्या ही बताएं, ऐसे लग रहा था कि जैसे ही चार्ज होगा कि नहीं होगा, आगे क्या होगा नहीं होगा समझ में ही नहीं आ रहा था, हम बस चुपचाप बैठ के देख रहे थे। तो यहाँ पर एक चीज आप दिमाग में बैठा लो, अगर आप ये फोन ले रहे हैं तो इस फोन को चार्ज होने में लगभग आपका 3 घंटा लग जाने वाला है। अब यहाँ पर ये होता है कि चलो इतना देर लगा इसे चार्ज होने में तो इसका बैटरी बैकअप यानी बैटरी परफॉर्मेंस कैसा है। तो बैटरी परफॉर्मेंस जो है वो आपको निराश नहीं करेगा, लगभग आपका 1.5 से 2 दिन निकाल देता है बहुत ही आसानी से, क्योंकि अब हम बात करेंगे इसके परफॉर्मेंस की। फोन में आपको मीडियाटेक हीलियो A22 प्रोसेसर मिला गया है बेस्ड ऑन 12 नैनोमीटर, LPDDR4X रैम टाइप का यूज किया गया है। सॉफ्टवेयर जो है वो है MIUI 12 बेस्ड ऑन Android 12 Go एडिशन। तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो आपको स्टॉक एंड्रॉइड वाला मिलेगा। फोन का काफी क्लीन इंटरफेस है, कोई भी ब्रॉडवेयर जो है वो देखने को नहीं मिला मुझे एक्सेप्ट फेसबुक, और MI के कुछ एप्लीकेशन जो है वो आपको दिख जाएंगे। हाँ, इस फोन में एक जो है वो आपको काफी पसंद आएगा क्योंकि इसमें MI का डायलर दिया गया है जिस कारण से आप जब कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करेंगे तो वहां पर सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आप उनकी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब ये जो चिपसेट है ये इतना कैपेबल नहीं है कि आप हैवी टास्क जो है इस फोन में करें। सबसे पहली बात तो इस फोन में जो बड़े बड़े गेम होते हैं वो चलेगा ही नहीं, कुछ तो गेम जो बड़े वाले गेम है वो इंस्टॉल ही नहीं होगा और जो कुछ इंस्टॉल हो जाता है वो सही से चलता ही नहीं, मतलब वो ओपन ही नहीं होता है। तो ऐसा कुछ आपको इस फोन में झेलना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात कि ये फोन जो है गेमिंग फोन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये बस एक ऐसा फोन है जिसमें आप व्हाट्सएप वगैरह जो है वो चेक कर लिए या फिर जाके थोड़ा सा वीडियो वगैरह देख लिए या फिर कॉल वगैरह कॉल रिसीव करना, बस इतना काम जो है इस फोन में बहुत ही आसानी से हो जाएगा। रही बात गेमिंग की तो छोटा मोटा गेम जो है
खेल सकते हैं, जैसे सर्वे सफे हो गया, कैंडी क्रश हो गया, तो ये सब गेम आपका चल जाएगा। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज इस फोन में गेम मत खेलना, क्योंकि जब मैं कैंडी क्रश वगैरह जो है वो इंस्टॉल करके और फिर खेला, लगभग 5 से 7 दिन मैं खेला होगा, उसके बाद फोन जो है वो काफी ज्यादा लैग करने लगा था, जिसके कारण से मैं सोचा कि नहीं, इसमें गेम खेलना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ पे जो ऐप ओपनिंग प्रोसेस है ये काफी स्लो है, जैसे मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बहुत स्लो स्लो बढ़ रहे हैं, उससे भी स्लो। तो प्लीज अगर आप यहां तक वीडियो देख लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। और एक बार ऐसा हुआ जब मैं YouTube जो है वो ओपन किया और वहां पर YouTube जो है वो काफी ज्यादा लैग कर रहा था, मतलब मैं क्या ही बताऊं, आप खुद देख लो यहाँ पर जब मैं स्लाइड करके ऊपर कर रहा हूँ तो ये काफी ज्यादा फंस रहा था। तो इस तरह के प्रॉब्लम भी इस फोन में आपको आते रहेंगे और आपको झेलना पड़ेगा अगर आप ये फोन ले रहे हैं। तो फोन में आपको ब्लूटूथ 5.0 मिल जाता है, डुअल वोल्टी सपोर्ट जो है वो करता है, 4G फोन है, ओके 4G प्लस आपको नहीं मिलता है फोन में। इसके अलावा कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर वाला ऑप्शन भी नहीं मिलता है। बट यहाँ पर क्या हुआ है कि कुछ दिन पहले ही Xiaomi ने इसका जो है एक जुड़वा भाई, मतलब एकदम सेम टू सेम डिट्टो निकाला है, जिसका नाम है Redmi A1 प्लस। अब ये जो प्लस वाला आइकन है, बस ये सिर्फ एक ही चीज को डिफाइन करता है, वो है क्या चीज, फिंगरप्रिंट सेंसर। बाकी फोन को जब आप साइड बाय साइड चेक करेंगे, टोटली चीज मिलाएंगे, तो एक भी चीज आपको चेंज नहीं मिलेगा, साइड बाय साइड जो है आपको सारा चीज जो है वो सेम टू सेम मिलेगा, सिर्फ एक चीज ऐड हुआ है फिंगरप्रिंट सेंसर Redmi A1 प्लस में। अब यहां पर एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर आपको ये फोन चाहिए और फिंगरप्रिंट वाला चाहिए तो आप सोचेंगे कि Redmi A1 प्लस ले लेते हैं, तो फिंगरप्रिंट ऑप्शन के लिए आपको नहीं भी तो कम से कम 800-900 रुपए अलग से पे करने पड़ेंगे, क्योंकि उस फोन का जो प्राइस है वो लगभग 6,999 यानी 7,000 रुपए जो है वो पड़ जाता है। इस फोन में आपको पीछे की साइड डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है, एक है 8 मेगापिक्सल का जो कि प्राइमरी कैमरा है, और 0.3 मेगापिक्सल का जो है वो डेप्थ सेंसर, ऐसा इनका कहना है, ऐसे इन्होंने कुछ मेंशन उनसे नहीं किया है। और सामने में आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। यहाँ पर मैं कुछ फोटोज और वीडियोज का सैंपल जो है वो दिखाता हूँ, उसके बाद आप खुद बताना कि आपको इस फोन से लिया गया फोटो या फिर वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप मुझसे पूछेगा कि इस फोन का कैमरा कैसा है, तो यहाँ पर मैंने जितने भी फोटो इस फोन से लिए हैं सभी को मैंने एक एक करके चेक किया है, और सभी फोटो में डिटेलिंग जो है वो आपको नहीं मिलने वाला है। बाकी अगर नॉर्मल तरह से इसके फोटो को जज किया जाए तो काफी अच्छा फोटो आ जाता है, दिखने में काफी अच्छा लगता है, कलर जो है वो ठीक आपको मिल जाता है, ज्यादा सैचुरेशन नहीं है। इस कैमरा से जब भी मैं फोटो लेता था, हल्का सा भी अगर फोन हिल जाता था तो पूरा फोटो जो है वो ब्लर हो जाता था। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फोन आपका स्टेबल रहे, यानी काफी ज्यादा स्टेबल आपको रखना पड़ता है फोन को, एंड देन उसके बाद फिर आपको क्लिक करना पड़ता है, तो फिर आपका फोटो जो है वो ठीक आ जाता है। सेल्फी कैमरा से फोटो लेने के बाद क्या होता है कि जो बैकग्राउंड है वो ओवर एक्सपोज्ड हो जाता है। फोन में एक चीज जो है वो मुझे सही लगा कि फोन में आप 1080p 30fps में वीडियो रिकॉर्डिंग सकते हैं फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से। तो अभी जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो इसके फ्रंट कैमरा से हो रहा है, और फ्रंट कैमरा से भी आप 720p और 1080p में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps में, और जो ऑडियो है वो भी डायरेक्टली आपको इसी फोन का आ रहा है, तो ऑडियो क्वालिटी कैसा मिलेगा ये भी आपको पता चल रहा होगा। बाकी अगर वीडियो क्वालिटी की बात की जाए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको इसका फ्रंट कैमरा से वीडियो क्वालिटी कैसा लग रहा है। बाकी अगर स्टेबिलिटी वगैरह की बात की जाए ना, तो भैया कोई भी स्टेबिलिटी वगैरह नहीं है, जैसे कि अगर हम चले या फिर थोड़ा सा अगर हम दौड़ते हैं तो देखें ना पूरा हिल जाता है दुनिया। बाकी जो एक्सपोजर है वो कितने अच्छे तरीके से एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू प्राइस के अनुसार हम जज करेंगे। तो अभी जो है सनलाइट वो डायरेक्टली मेरे फेस पर आ रहा है भैया, बहुत तेज आ रहा है, एकदम आँख नहीं खुल रहा है हमारा, तो हम घूम जाते हैं। तो अब जो है अब आप देख सकते हैं मतलब किस तरह से एक्सपोजर एडजस्ट कर रहा है ये पता चल रहा होगा। ओके तो अभी जो वीडियो रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ इसके प्राइमरी कैमरा से कर रहा हूँ, प्राइमरी कैमरा से आप 720p और 1080p दोनों में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps में। जो ऑडियो आपको मिल रहा है वो डायरेक्टली फोन से आपको मिल रहा है, तो ऑडियो क्वालिटी भी आपको पता लग रहा होगा कि कैसा आपको मिलने वाला है। जहां तक मैं स्क्रीन में नोटिस कर पा रहा हूं, जो एक्सपोजर है वो एडजस्ट करने में काफी मतलब स्ट्रगल करता है। अब तो वीडियो रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं ना, वो इंडोर में कर रहे हैं, और इंडोर में आपको कैसा क्वालिटी मिलेगा ये भी आप देख लीजिए फ्रंट कैमरा से। और यहाँ पे जो एक्सपोजर है वो आप देख लेंगे हल्का हल्का फ्लक्चुएट कर रहा है लाइट, तो इसके एक्सपोजर को आप लॉक भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे वीडियो क्वालिटी की बात की जाए ना, तो अकॉर्डिंग टू प्राइस हमको बिल्कुल सही लग रहा है। और यहाँ पे जो लाइट वाला सिचुएशन है, जितने लाइट हमने जला के रखे वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इतने सारे लाइट जलाने के बाद आपको ऐसा क्वालिटी मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक लाइट दो लाइट नीचे जल रहा है, ऊपर जल रहा है, यहाँ जल रहा है, इधर 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 एक इधर और एक इधर, तो इतने सारी लाइट जलाने के बाद यहाँ पे आपको ऐसा क्वालिटी मिलने वाला है। और ऑडियो भी जो है वो डायरेक्टली आपको फोन का ही मिल रहा होगा। इंडोर में आपको कैसा क्वालिटी मिलेगा अगर आप माइक यूज नहीं कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल माइक।
अब यहाँ पे जो एक सिंगल लाइट होता है वो मैं जलाऊंगा और सिंगल लाइट में कैसा क्वालिटी मिलेगा वो हम देख लेते हैं। तो बहुत सारे जो लाइट है उसको हम ऑफ करते हैं। अब जो है मात्र एक सिंगल लाइट जल रहा है जो कि सामने से लाइट आ रहा है, ट्यूबलाइट जो है वो हमने जलाया हुआ है। तो ऐसा क्वालिटी आपको मिलेगा अगर एक सिंगल लाइट में अगर आप वीडियो शूट करते हैं। तो अब इसके प्राइमरी कैमरा से भी हम देख लेते हैं कि इंडोर में कैसा क्वालिटी मिलने वाला है। तो अब आप जो देख रहे हैं वो इसका प्राइमरी कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है और मात्र हम एक सिंगल लाइट जो है वो जला के रखे हैं एंड देन ऐसा क्वालिटी आपको मिलेगा। अब जो है जो भी लाइट जल रहे थे तो उस सिनेरियो में इसके प्राइमरी कैमरा से कैसा क्वालिटी मिलेगा वो देख लेते हैं। तो फाइनली सारा लाइट जितने भी हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाए थे वो सारा हमने ऑन कर दिया और उसके बाद क्या क्वालिटी आपको मिलने वाला है वो आपको दिख रहा होगा। तो इस फोन के बारे में ना हम आपको सारा चीज बता दिया। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि ये फोन किस तरह के कस्टमर या फिर यूजर को टारगेट करने वाला है। तो देखिए या आपके जो पेरेंट्स हैं या फिर दादा दादी ये हो गए तो वो जो है आप उनको ये फोन दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको सिर्फ बात करने के लिए फोन लेना है तो भी आप ये फोन ले सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हाँ मतलब ऐसे चले जाएंगे चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे कर दीजिए नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।